जिले में बेखौफ बदमाशों का आतंक है और आए दिन जिले में आपराधिक वारदातें हो रही है। ताजा मामला कोतवाली बागपत इलाके का है, जहां मोटरसाइकिल पर सवार बेखौफ बदमाशों ने एक जिम संचालक व उसके रिश्तेदार पर जानलेवा हमला करते हुए दोनों को गोली मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनकी हालत को गंभीर देखते हुए मेरठ के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं और जल्द ही पूरी वारदात का खुलासा करने की बात भी कह रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मामला कोतवाली बागपत इलाके का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर स्थित राजा जिम के संचालक अखलाक पर उस वक्त जानलेवा हमला कर दिया जब वह लोनी के रहने वाले अपने रिश्तेदार नसीफ के साथ जिम के बाहर खड़ा हुआ था। दो युवकों के सरे बाजार गोली लगी है, गोली कांड हुआ है। क्या पूरा मामला है, क्या वारदात हुई है, कौन घायल है और क्या इसमें पुलिस कार्रवाई? अभी 10 बजे के करीब जो है सूचना मिली है कि दो व्यक्ति को, छह लोग जो तीन बाइक पर सवार थे, गोली मारी गई है। उसी सूचना पर तुरंत कोतवाली पुलिस वहाँ पहुँची मैं पहुँच के, और वो मारते ही गोली वहाँ से फरार हो गए। अखलाक और नफीस नाम के दो व्यक्ति घायल हुए हैं, जो अस्पताल लाए गए हैं वो खतरे से बाहर हैं और उनको मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। कौन लोग थे जिन्होंने उन पर फायरिंग करी है? ये अखलाक के खिलाफ जो है इनकी ससुराल जो है कैराना में है, और कैराना से इनके खिलाफ दहेज का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें जेल से भी अभी आया है छूट करके, और उसी रंजिश में इनके ससुराल वाले तीन लोग, वो और दो उनके रिश्तेदार, तीन रिश्तेदार थे, और वो छः लोग मिल करके इनको जो है कैनरा बैंक के पास गोली मारकर फरार हो गए। घटना हुई है, कैसे हुई है, क्या है प्रॉब्लम? सुभाष गेट पे लड़े घूमने जा रहे थे, ऐसे ही जिम कर गए और जब उनको वहाँ गोली लगी। गोली किस किस को लगी जी? इखलाक को लगी, नफीस को लगी। किसने मारी जी? बाइक पे थी, पता नहीं, तीन चार थी, तीन बाइक थी चार, और सारे बाइक पे हेलमेट लगा था हम, ये तो हेलमेट लगा था। पुलिस में सूचना करी जी? हाँ, सूचना करी जी, तो पुलिस उनको उठा कर ले गई, और फिर उनके बयान हुए तो लड़के ने बताया उसने कि उसके ससुराल वाले थे, अपना नाम बताया जी। थैंक यू। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं और जल्द ही पूरी वारदात का खुलासा करने की बात भी कह रहे हैं। वहीं एक और तरफ पीड़ित परिजन युवक के ससुराल वालों पर भी जानलेवा हमले करने की बात कह रहे हैं।